उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो SSP श्वेता चौबे ने पुलिस बल के साथ PSC जवान को अपने मुस्तैदी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि बाहर जिलों से भी PSC जवान मंगवाए गए हैं। CM रांची हेलीपैड में उतरने के बाद दोपहर 12:40 पर कंडोलिया मैदान पहुंचेंगे, जहां वे दोपहर 2:15 तक कंडोलिया मैदान में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करने के साथ विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। वहीं मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसंवाद भी करेंगे, जबकि अगले दिन 13 फरवरी को CM जिले के अधिकारियों की विकास कार्यों को लेकर समक्ष बैठक विकास भवन सभागार में करेंगे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 12 व 13 का पौड़ी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ कार्यक्रम है, और मुख्य रूप से जो हमारा कार्यक्रम है वो हाँ कंडोलिया ग्राउंड और उसके बाद सर्किट हाउस में है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। जोनल ऑफिसर्स के रूप में क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे रूट्स हैं वो सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, उसमें हमारे इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं जिन्हें तैनात किया गया है। आगमन पे विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया जाना और जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक भी एक होम स्टे में भी ऑनरेबल CM से रुकेंगे और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से उनकी भेंट एवं वार्तालाप का अभी तक का कार्यक्रम है। तो इस क्रम में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और तैयारियों को भी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये कार्यक्रम बेहतर तरीके से संचालित हो।